हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आज की हमारे इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ कैसे दोस्तों अपने इन्फिनिक्स के फोन दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपना फिंगरप्रिंट डाटा जो कि डिलीट करना है, आपको यूज़ नहीं करना है फिंगरप्रिंट, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो अपने इन्फिनिक्स के फ़ोन में। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना है, दोस्तों आपको अपने फ़ोन को अनलॉक कर लेना है। अपने पैटर्न या पिन पासवर्ड जो भी आपके पास है आप उसको यहाँ से अनलॉक कर लो। तो दोस्तों आपको करना है, दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करना है अपने फिंगरप्रिंट लॉक डिलीट करने के लिए। अब दोस्तों हम फिंगरप्रिंट लॉक कैसे डिलीट कर सकते हैं, अब आपको दोस्तों यहाँ पे दिखेगा सिक्योरिटी ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, स्क्रीन लॉक है और ऐप लॉक है। तो दोस्तों आपको करना है, आपको फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और दोस्तों आपको अपना पासवर्ड जो कि एंटर करना है, आपके पास जो भी पैटर्न लॉक है आप उसको ड्रॉ कर दो। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है। अब आपको दोस्तों कोई भी फिंगर ऐड करनी है तो यहाँ दोस्तों एक फिंगरप्रिंट को ऐड भी कर सकते हो। तो ऑलरेडी दोस्तों मेरे पास 3 फिंगर यहाँ पे है और दोस्तों मैं इस फिंगरप्रिंट को डिलीट करना चाहता हूँ जो कि मुझे यूज़ नहीं करना, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँगा और आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। दोस्तों एक फिंगरप्रिंट आपका डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप कोई फिंगरप्रिंट रीनेम करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको रीनेम भी करके रख सकते हो। इसके जिसके फिंगरप्रिंट लॉक है तो मैं ऐसे फिंगर लॉक लिख लेता हूँ मैं और रीनेम कर देता हूँ। दोस्तों जो आपका फिंगरप्रिंट लॉक है वो रीनेम हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आके आपको इसको डिलीट करना है। और आप दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपको जो दिखता है फिंगरप्रिंट लॉक, अगर आप इसको दोबारा यूज़ करते हैं तो आपको दोबारा दोस्तों स्कैन करनी पड़ेगी फिंगर, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों अपने फिंगरप्रिंट को आप डिलीट कर सकते हो अपने इन्फिनिक्स के फ़ोन में। और दोस्तों अगर आपको इसको भी डिलीट करना है तो आप यहाँ से आके इसको डिलीट कर दो। अब दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं है आपको यूज़ करना, तो आपको दोबारा से ऐड पर क्लिक करके करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने इन्फिनिक्स के फ़ोन में दोस्तों आपके जो फिंगरप्रिंट डाटा है, जो कि एक फिंगरप्रिंट का डाटा ही आपके पास 2 है 3 या 4 है, तो आप उसको इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। चलो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।